रशीद किदवई साहब हमारे साथ जुड़ हुए हैं। रशीद सर, कुल मिलाकर मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि 5 पन्नों का आप इस्तीफा देते हैं, उसमें आप कई सारी बातें कहते हैं। देखिए, बहुत सारे दर्द थे और बहुत लंबे समय से दर्द थे, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो एक बड़ी बात कही है कि राहुल गांधी के पीए उनके सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन है, इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, ये इसका कुछ उन्हें प्रमाण पेश करना चाहिए। आरोप गंभीर है, वो सीनियर लीडर कांग्रेस के थे, वर्किंग कमेटी के थे, क्या उन्होंने इस बात का खुलासा उस पत्र में नहीं किया कि क्या उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी के संज्ञान में ये बातें लाई, क्या उन्होंने कोई तथ्य पेश किए? देखिए, हमारे यहाँ के जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है उसमें जो जाता है आदमी वो इल्जाम लगाता है, और जो पार्टी होती है जो जहाँ से वो ज्यादा होता है वो उन सब प्रकार को वो एक तरीके से दरकिनार कर देती है। इसी तरह केसरी जी कहा करते थे कि जो कांग्रेस छोड़ के जा रहा है उसके हृदय में कमल का फूल खिल गया है, तो इस तरह की बात करके काउंटर एलिगेशन लगाया जाता है। मुझे लगता है आजाद साहब इस बात से भी आहत हुए, क्योंकि बीच में आपने वर्तमान सुना होगा कि एक कांग्रेस में बात चल रही थी कि चुनाव की कोई गैर नेहरू गांधी परिवार का सदस्य हो और उसमें अशोक गहलोत जी का नाम आया, वो हुआ या ना हुआ या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन कहीं भी गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं आया। उन्हें लगा कि वो इतने समय से जुड़े हुए हैं और उनको और किसी ने मतलब कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर यह भी कहा गया कि ऐसी परिस्थिति में जहां मोदी और एक तरीका बहुसंख्यकवाद फैला हुआ है वो कांग्रेस एक मुसलमान को कैसे पार्टी अध्यक्ष बना सकती है। मुझे लगता है वो इन सब चीजों का भी उन्होंने संज्ञान लिया है, एक पॉलिटिकल मूव है, अपनी वो राजनीतिक पारी जम्मू कश्मीर में खेलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, जो राजनीति में हर आदमी का हक है। देखिए आगे क्या होता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसी पर आगे मैं जैनेन्द्र और आसिफ आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने से जम्मू कश्मीर की राजनीति में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है जरा देखिए। मरकज की हुकूमतों में कितनी दफ़ा मिनिस्टर बने और बहुत अहम पोर्टफोलियोज के मालिक थे, उसके साथ साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर साल हर साल, उसमें जनरल सेक्रेटरी कई साल, यानी हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे। और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे, हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेज सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे, मगर अफसोस है मुझे हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्होंने लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे 32 जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए, और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। कांग्रेस जो पार्टी है वो परिवार के आसपास घूमती है, चाहे और आज तक एक दो अध्यक्षों को छोड़कर के मजबूरी में सीताराम केसरी या एक आध कोई और होगा, इन्होंने सारी वो जो राजनीति की चाबी वो अपने पास रखी। G23 सम्मेलन जो कांग्रेस के नेताओं का जम्मू कश्मीर में हुआ था तभी से ये आग सुलग रही थी और कांग्रेस का जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में समाप्ति होती जा रही है तो उन लोगों ने इस चीज़ की एक इशारा दिया था, लेकिन परिवारवाद से ग्रस्त लोग इस चीज़ को नहीं समझे। आज भी साइकोफेंट्स का वहाँ पर राज है, जो लोग परिवार के आसपास घूमते हैं उन्हीं को भी, तो पीछे चिंतन भी हुआ और चिंतन से यही निकला कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही प्रेसिडेंट रहेंगे, ये कांग्रेस की सोच है। इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो अगर परिवार के आसपास नहीं रहता तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। कांग्रेस कह रही है गुलाम नबी आज़ाद ने गलत वक्त पर इस्तीफा दिया जबकि बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में देश के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया, लेकिन ये बड़े अत्यंत
दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ के को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज़ के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, ये बड़े दुख की बात है। इट इज़ अ बिग सेटबैक, जो ये चिट्ठी आई है एक बहुत बड़ा झटका है। जो जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और OSDs का। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनखैये हैं, जो तनख्वाह के इम्प्लॉयज़ हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। तो गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब हाल ही में कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बात कही थी, लेकिन अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।